तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल करने की? मामी जी, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आपको जो भी पनिशमेंट देनी रहा करे आप मुझे दे दिया करिए, मैं चूतक नहीं करूंगा। पर स्वीटी मीठी, वो तो कितनी मासूम है, आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? तुम तो बहुत समझदार हो ना, तो समझाते क्यों नहीं अपनी बहनों को? क्या? ओह, जैसे कि तुम कुछ जानते ही नहीं हो। तुम्हारी बहनों ने मेरे रॉकी को बेवकूफ बनाया। उन्होंने जानबूझकर उसे जारा से मिलने जिम भेजे जबकि वो वहां थी ही नहीं। They tricked my poor boy. पर वो ऐसा क्यों करेंगी? So that तुम एड शूट कर सको। Now tell me one thing, वीर, क्या तुम्हारे और जारा के बीच में कोई सीन चल रहा है? सीन? मेरा बहुत। देखो वीर, जारा मेरे प्लान का बहुत जरूरी हिस्सा है। प्लान? मेरे रॉकी को फेमस बनाने का प्लान। और अगर अगर मेरे उस प्लान में तुम्हारी वजह से कोई भी प्रॉब्लम आई तो ट्रस्ट मी, तुम तीनों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मम्मी, और जब भी तुम्हें लगे ना कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो अपनी औकात और अपनी मजबूरी को याद कर लेना वीर, सब कुछ सही लगने लगेगा। ये रिंग है मेरे पास, गायब हो सकता हूं। सुपर स्ट्रेंथ है, पर क्या फायदा इन सुपर पावर्स का अगर मैं अपनी बहनों को प्रोटेक्ट ना कर सकूं, शौकी को, मामी को सुधार ना पाऊं। पर सुधरना तो पड़ेगा, आफ्टर ऑल तू तो मेरे घर का है ना मेरे भाई। चैरिटी बिगिंस एट होम। अरे छोड़ो यार, मैं रॉकी हूं, रॉकी। हाँ हाँ पता है तू रॉकी है। क्या जंगल में ले आए हो क्या? भाई बोला ना भाई, ऐसे करोगे मतलब अपने छोटे भाई के साथ? मानता हूं कि गलती हो गई, आपको तो पता ही है ना, ये बैटिंग का नशा तो होता ही ऐसा है, ध्यान ही नहीं रहता कौन अपना है कौन पराया। इसीलिए तूने मेरे 50 लाख अपना समझ के गवा दिए। गवाही नहीं, आपको वापस करूंगा ना 50 लाख इंटरेस्ट के साथ, मम्मी कसम करूंगा वापस। छोटे ए छोटे, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जरा देख तो, मेरे माथे पे झंडू लिखा है क्या? देखना जल्दी। ए बेंडे, तुझे क्या लगता है मैं झंडू हूँ? स्मार्ट हो आप तो, शक्ल से टॉप इंटेलिजेंट लगते हो। वो तो माई भी बोलती है, पर मैं क्या बोलता वो सुन। 50 लाख क्या, 5,000 की भी तेरी औकात नहीं है। मुझे प्लीज भाई, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे छोटा भाई समझ के थोड़ा सा टाइम दे दो प्लीज। तू मुझे फैमिली मेंबर बनाना चाहता है क्या? भाई चाहिए तुझे, छोटू को ले जा। नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं जाऊं? देख रॉकी, मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे तेरी बहुत याद आएगी, तो एक काम कर, तू अपनी कोई निशानी दे दे। मैं समझा नहीं। ये कोड लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं आप? कुछ नहीं, तेरे डोले थोले बॉडी एकदम तो पिनाड के जैसे है।
सारी भर काम। अर्नोल्ड भाई अर्नोल्ड, तेरा थोड़ा सा वजन कम करने को बोला उसको। वो कैसे? कुछ नहीं, बस तेरा राइट हैंड का लिटिल फिंगर। नहीं 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 भाई, भाई, नहीं, 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 नहीं भाई, एक्टर की बॉडी के साथ मजाक नहीं करते, करियर खत्म हो जाता है। और जो मैं पिक्चर कर रहा हूँ उसमें मेरा एक सीन भी है, कैसे करूंगा मैं करके दिखाता हूँ। मैं गो टू सुसु, कैसे करूंगा भाई, घर कट जाएगी तो। प्लीज प्लीज मत काटो। ऐसा क्या? हाँ जी, मैं ये लॉन्च पिक्चर की कसम खा के कहता हूँ, आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। कब? कल या परसों। कल या परसों? कल। पक्का? प्रॉमिस। गुड लक। और ये मेरे गुड लक के लिए। पहन लो। कल मतलब कल, वरना ये रिंग तेरे अर्थी पे डाल के RIP बोलूंगा। नाउ गो। अबे मोंटू, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मैं भी तेरी तरह इनको कल नरसों तरसों तक लटका के रखा था, फिर सीधा उठा लाए और हवेली ले आए, तब से इसी पर भगा रहे हैं। दर्ज श्वान के कक्ष में व्योम को बताते हैं। व्योम व्योम दर्ज 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 श्वान से मिलने जा रहा है। तो दर्ज ने श्वान को जीवन दान दिया था। तो दर्ज को अंगूठी धारक का पता बता देगा वो। हम राजनीतिक की नहीं, योद्धा है। कुछ ऐसे ही बात कर रहा था ना दंश, पर वो मूर्ख ये नहीं जानता कि ये योद्धा हम राजनीतिज्ञों का केवल एक प्यादा है, जिसका आना जाना हमारे हाथ में है। माफ करना, मैंने तुम्हें नींद से जगाया। वैसे दंश को उस अंगूठी धारक के बारे में तुम कुछ बताने वाले थे? मुझे जो कुछ भी बताना है मैं दंश को ही बताऊंगा। चलो ठीक है, जो हुआ भूल जाते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। श्वान, तुमने जो मेरे लिए किया वो सराहनीय है, इसके लिए तुम्हारे जैसे महान योद्धा को एक भेंट देना चाहता हूं। मेरी भेंट स्वीकार करो श्वान, इसके बाद असुर कुल तुम्हें सदैव याद रखेगा। श्वान, तुम मरने वाले हो, थोड़ी देर और, तुम मरने वाले हो। अब तुम आराम से सो जाओ। जो प्यादा मेरे काम नहीं आ सका वो किसी के काम नहीं आ पाएगा। Thank you.
अपनी विशेष श्रवण शक्ति खो देने के बाद अब मैं स्वयं को असुर कुल के योग्य नहीं समझता। एक तुच्छ मानव से मायावी अंगूठी ना ला सका मैं। मुझे क्षमा करें गुरुदेव, अब मृत्यु में ही मेरी मुक्ति है। असुर हो ऐसा क्यों करूंगा दंश? क्योंकि श्वान मुझे अंगूठी धारक के बारे में बताने वाला था, लेकिन उससे पहले तुमने श्वान को मैंने नहीं, उसकी आत्मग्लानी ने मारा है। असुर होकर एक तुच्छ मानव के हाथों से हारने के कारण उसने ये आत्महत्या की है। तुम्हें कैसे पता? इसी यंत्र से मारा है ना तुमने ये? रुक जाओ दंश। आचार्य, बहुत लेट हो गया है, भटकल अंकल कहीं सो ना गए हो? आपस में इस प्रकार लड़ना मनुष्यों को शोभा देता है, असुरों को नहीं। यही तो मैं समझा रहा था दंश को। श्वान ने आत्महत्या नहीं की, व्योम ने की है इसकी हत्या। हत्या हो या आत्महत्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही परिस्थितियों में से किसी भी परिस्थिति का पता अगर असुरों को चला तो उनका आत्मबल टूट जाएगा। श्वान अब हमारे बीच नहीं रहा और हम यहां उसकी आत्मा को मुक्ति देने आए हैं। श्वान जैसे महान योद्धा ने असुर हित की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। दंश, अब तुम्हारी बारी है। अंगूठी अपने प्रथम चरण तक पहुंच चुकी है। इसके पहले वो मानव और शक्तिशाली हो जाए और उसे रोकना कठिन हो, तुम्हें वो अंगूठी उससे छीन लेनी होगी। फिर चाहे उसे मारना ही क्यों ना पड़े। पास आकर भी दूर चली जाती है मुझसे वो अंगूठी। उस तक पहुंचने के लिए मुझे फिर से ढूंढना होगा उस अदृश्य मानव को। यार बहुत ही गलत लफड़े में फंस गए हैं तो रॉकी। नहीं, घर में क्यों आ गए यार आप? तू क्यों, किसी और को एक्सपेक्ट कर रहा था क्या? क्या काम है? बात करनी है। कल बात करना भी टाइम नहीं है, चल जा। कल नहीं, अभी। एटीट्यूड दिखा रहा है रॉकी को। बाबा तू फालतू में स्वीटी मीटी को क्यों परेशान करता है? और वैसे भी तुझे मुझसे प्रॉब्लम है। मुफ्त खोरों से प्रॉब्लम है मुझे? नहीं, लूजर्स हो तुम। अपने भाई और बहनों के बारे में ऐसे कौन बोलता है बाबा? और अगर हम लूजर है तो तू क्या है? बात बात पे मम्मा मम्मा करते हुए चला जाता है मामी के पास चुगली करने। बहुत ज्यादा बोल रहा है। नहीं, अपनी ना औकात में रह। अच्छा, गर्मी चढ़ गई है, फोन निकाल लिए। किसको फोन कर रहा है? जिसको फोन करना है कर ले, रॉकी डरता नहीं है किसी से। एक मिनट भाई। भाई घर की बात है ना, हार के भाई को भी फोन मिला रहा है। हिम्मत है तो आ जाना, फाइट करते हैं। ये देख क्या दिखा रहा है, ये तो मैं हूं। अबे राइट प्रोफाइल क्यों नहीं, लेफ्ट प्रोफाइल लेता ना। ये तो चोरी कर रहा हूं मैं। एक काम करता हूं बाबा, मैं ना मामा जी को भेज देता हूं। सारा को भेज दूं, पूरी यूनिट को भेज देता हूं। हाँ, जिसको भेजनी है भेज दे। कोई कोई ना यकीन नहीं करेगा कि ऐसी हरकत रॉकी कर सकता है।
क्या हो रहा है यहाँ? अरे मामी जी। अरे वीर मेरे भाई, तू भाई है यार मेरा, तू अरे रख रहा फोन यार, क्या प्लीज, क्या सॉरी यार। नो प्लीज, नो सॉरी, यू माय ब्रदर यार, यू माय ब्रदर यार। इतना प्यार कैसे आ गया इसको वीर पे? रॉकी मेरा फोन हैंग हो रहा है, तुम आकर जरा देख लो। मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, आप पहुंचो, मैं आ गया। मम्मा सुन, देख आज से ना स्वीटी मिट्टी मेरी बहन है, मेरी तरफ से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तू बस ये वीडियो डिलीट कर दे। डन बाबा डन। और अगर मैं जल्दी में नहीं होता ना तो ये बात तेरे से पेपर पे लिखवा के साइन करवा के लेता। पर चल बाय। चल बाय। हाँ तो बहुत ज्यादा उड़ रहा है, बत्ती बना के ना रॉकेट में घुमाऊंगा तुझे। क्या सच कह रहे हो तुम? हाँ अंकल सच में, मैंने अपनी आंखों से देखा, बिल्कुल रियल एलियन। पापा सही थे, उनकी थ्योरी बिल्कुल करेक्ट थी। एलियन? हाँ अंकल, इतना लंबा चौड़ा एलियन, और उसकी लंबी सी पूंछ भी थी, और ऐसे ऐसे दांत भी निकले हुए थे। पर हाँ वो दो पैरों पर खड़ा था, बिल्कुल इंसानों की तरह, पता नहीं कैसे। ये देखिए अंकल, उसका निशान। वो एलियन है या नहीं ये कंफर्म करने के लिए मैंने उसे छूकर भी देखा, वो बिल्कुल बिल्कुल अजीब सा ही था, वियर्ड सा, हम लोगों से बिल्कुल अलग। पर हाँ अंकल, उसे हमारी लैंग्वेज आती थी। लैंग्वेज सेम बोलता है एलियन। हाँ हाँ सर, पहले रिंग में उठा लिया सर। कैसा है भटकल? गुड सर। नया कुछ निकला उससे कि आज भी वही बकवास कर रहा है? नहीं सर, आज कोई और बकवास कर रहा था। कौन? अमल नंदा का बेटा सर, वीर, कुछ भी बोले जा रहा है, कहता है उसने एलियंस के दर्शन किए हैं सर। आपकी बात बिल्कुल सही थी अंकल, मुझे पापा की सीक्रेट लैब भी मिल गई, उनकी बनाई हुई मशीन, उनका केबिन, उनकी की वो सारी रिसर्च। एनीवेज आपको पता है तभी वहां पर वो एलियन आ गया। अरे अंकल मैं तो आपको बताने ही भूल गया, आपको पता है मुझे रिंग से क्या मिला? सुपर स्ट्रेंथ अंकल, सुपर स्ट्रेंथ, इतनी ताकत आ गई मेरे अंदर, इतनी ताकत आ गई मेरे अंदर कि मैं उस एलियन से जा मिला, और एटीएम की चोरी भी रोक दी, सड़क पे चलते हुए वैन को एक हाथ से रोक लिया। कैन यू बिलीव इट? हां कुछ भी बोले जा रहा है, लगता है इसको भी भटकल के बगल वाले बेड में लेटाना पड़ेगा। त्रिपाठी तुझे जितना बोला है उतना कर। सॉरी सर। DRS से जितनी सैलरी तुझे साल में मिलती है ना उतना मैं तुझे हर महीने दे रहा हूँ भटकल पर नजर रखने के। तो अगर भटकल ने वीर को कुछ भी बता दिया तो वो पैसा मैं तेरी किडनियां भेज कर वापस दूंगा। बाकी वीर को एलियन दिखा या नहीं ये मैं डिसाइड कर लूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। यस सर, यू डोंट वरी सर। तो क्या होना चाहिए? भटकल कभी ठीक नहीं होना चाहिए, भटकल का मुंह हमेशा बंद रहना चाहिए। ओके सर बाय। अंकल सुन रहे हैं ना? सब सच हो गया अंकल, एलियंस भी रिंग भी। पता है, सब पता है वीर। तुम्हारे पापा बिल्कुल सही थे। अंकल अंकल आपने मुझे अमल नहीं वीर बुलाया। वीर को वीर नहीं बुलाऊंगा तो क्या बुलाऊंगा? वीर क्या हो गया है तुम्हें? पता है अंकल, आप मुझे वीर बुलाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जैसे कोई अपना सा है, कोई ऐसा जो पापा को इतने करीब से जानता है। बस एक बार अंकल मेरे लिए आप बस एक बार सोचिए, एक बार याद करने की कोशिश कीजिए कि आपको कोई ऐसी चीज याद हो, आपने और पापा ने कोई ऐसी रिसर्च करी हो जिससे रिलेटेड कोई क्लू मिल जाए कि बस जो मुझे हेल्प कर सके कि मैं पापा के और करीब पहुंच सकूं। प्लीज अंकल।
कोशिश कीजिए, याद कीजिए, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा क्लू, कोई हिंट अंकल, कुछ तो ऐसी चीज होगी ना अंकल जो आप दोनों ने एक साथ करी हो, कोई ऐसी रिसर्च, बस एक हिंट, एक क्लू अंकल जो मुझे बता सके कि पापा इस वक्त कहाँ है अंकल। Aliens के साथ।